धार जिले के धर्मपुरी में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें डॉक्टर आरोपी शादी का झांसा देकर लगातार 10 वर्षों तक एक शिक्षिका युवती का शारीरिक शोषण करता रहा और 21 जून को आरोपी दूसरी लड़की से ब्याह भी रचा लिया, जहां पर आरोपी के मामा ने पीड़िता के परिवार को सूचना मिली, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ जाकर थाने पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। धर्मपुरी थाना क्षेत्र के पगारा जामिया निवासी दिलीप पिता श्याम ठाकुर युवती के पास वाले मकान में रहता था। दोनों पढ़ाई में अव्वल थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। एक ही समाज के होने के कारण दोनों परिवारों ने नौकरी के बाद शादी की बात राजी की थी, जहां पर पीड़िता 2009 में शासकीय सेवा में शिक्षिका बन गई और जबकि आरोपी डॉक्टर बनना चाहता था। पीड़िता ने अपने परिवार की जानकारी में आरोपी दिलीप को MBBS और PG अपने वेतन से खर्च कर उसे डॉक्टर बनाया, बल्कि उसे महंगी बाइक और 10 लाख की कार भी लोन लेकर दिलवाई। 2010 से 2019 तक लगातार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने गांव में आरोपी के टपरी नुमा कच्चे मकान को करीब 8 से 10 लाख खर्च कर पक्का बनाने में मदद की, लेकिन 2017 में डॉक्टर बनने के बाद आरोपी करुणा हॉस्पिटल सेधवा में बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट नौकरी भी करने लगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को शादी से इनकार करने लगा और पीड़िता और परिवारजनों ने आरोपी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी ने बात करना भी बंद कर दी। 21 जून 2021 को आरोपी डॉक्टर दिलीप ठाकुर ने किसी अन्य लड़की से ब्याह रचा लिया। इसकी भी जानकारी आरोपी के मामा से पीड़िता के परिवार को मिली, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता और साथ ही थाने धर्मपुरी पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब डॉक्टर फरार है। पुलिस जल्द उसे पकड़ने की बात कह रही है, जहां पर पीड़िता अब आरोपी डॉक्टर को सजा दिलवाने के साथ ही उसका मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने पर अड़ी है। अभी आपने धर्मपुरी थाने पर 376 का मामला दर्ज करा हुआ है, क्या पूरा मामला? हाँ, 29 जून 2021 में मतलब हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, अभी तक जो आरोपी फरार है मतलब उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं अपनी सारी मतलब जो घटनाएं मेरे साथ घटी थी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे 2006-07 की बात है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इस बीच उस लड़के ने या फिर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर मतलब हम दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं PMT सिलेक्शन हो जाएगा, MBBS कर लूँगा, इसके बाद मैं तुम्हारे से शादी कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप अपने भाई पेरेंट्स को बताइए, अपने बड़े पापा को बताइए। तो उस लड़के ने उसके बड़े पापा को बताया, तो उसके बड़े पापा हमारे घर पर आए, मेरे पापा मम्मी से बात करी, तो पापा मम्मी से बात होने के बाद में शादी की बात तय कर ली गई। पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है भाई, आप MBBS कर लेंगे, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे। इसके बाद में फिर लड़के को कहा कि भाई MBBS पूरा होने के बाद, उसने जबलपुर से किया है, लड़के का नाम डॉक्टर दिलीप ठाकुर है, जो अभी सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे है। तो फिर MBBS पूर्ण होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा आप शादी कर देते हैं, तो उस लड़के ने कहा कि पापा मैं PG करना चाहता हूँ, मेरा PG में हो जाने दो, उसके बाद फिर कर लेंगे। तो फिर पापा मम्मी ने कहा चलो ठीक है बेटा, आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे थे सोच करके, फिर वो एग्री हो गए। तो PG में सिलेक्शन होने के बाद में उसको 2 साल लगा, 2 साल होने के बाद में फिर पापा मम्मी ने कहा कि बेटा चलो शादी कर लेते हैं, अब करवा लेनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया है। फिर भी वो वहीं पर मतलब शादी की बात को पलटता रहा, आगे बढ़ाता रहा कि नहीं पापा थोड़ा सा मुझे जॉब लग जाने दो, कहीं पदस्थ हो जाने दो, ऐसा सोच के फिर सेंधवा करुणा हॉस्पिटल में पदस्थ हो गया। उसके बाद भी उसने क्या किया, शादी करने से इनकार कर दिया। इस बीच जबलपुर से इंदौर से कई बार धर्मपुरी आया, धर्मपुरी आकर के कई बार मेरे घर पर आया और शारीरिक संबंध मुझसे बनाता रहा, ये कहकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, परंतु आज तक उसने मुझसे शादी नहीं करी। इस बीच उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब थी, उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो मेरे द्वारा मेरे पेरेंट्स के द्वारा उसे आर्थिक सहायता दी गई, परंतु उसके द्वारा फिर वापस नहीं दिया गया। उसके पास जो कार है वो मेरे नाम से है, पर वो अभी आज तक वो चला रहा है, और बाइक मेरे भाई के नाम से है, वो भी यूज़ कर रहा है। और इस बीच बिना किसी सूचना दिए उसने 21 जून 2021 को शादी कर ली किसी दूसरी लड़की से, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, और कई प्रकार से मुझे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता रहा। क्यों? क्योंकि वो बस सीधे शादी के लिए इनकार करता रहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करना है। तो फिर हमने मतलब कई बार उसे समझाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पैसा 50 लाख के आसपास है अंकल। हाँ, क्या चाहते हो?
मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए और ऐसे लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आगे चल के किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का कोई भी गलत ना हो, उसके साथ कोई गलत ना हो। एक लड़की ने अपने पिताजी के साथ आकर थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिलीप पिता श्याम ठाकुर, जिसको ये पिछले 10 सालों से जानती थी, इसके खिलाफ 376 की रिपोर्ट लिखाई थी कि इसने 2010 से इसको शादी का आश्वासन देकर इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और इसके साथ कई बार गलत काम भी किया और हमेशा ये कहते रहता था कि शादी कर लेंगे, और उसके बाद इसने इसको पता चला कि कुछ दिन पहले इसने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। इन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, इसकी रिपोर्ट पर 376 टू में अपराध पंजीबद्ध हुआ। सर आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी अभी यहीं जामनिया का धर्मपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तो FIR के बाद से फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स की धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।